कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का ये कड़वा सत्य है। काले जादू टूने टोटके में शामिल हर व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों के अनुसार बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बुराई में से अच्छाई की उम्मीद करना मूर्खता है। मधु ने भी यही किया और अपनी जिंदगी को ऐसे बुरे खतरे में डाल दिया कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि सबसे घातक जिन उसके लिए बहुत बड़ी बाधा बन गया था। तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को सुनने के लिए तैयार हो जाए जो उन सभी के लिए एक इतनी बड़ी उदाहरण बन गई थी जो मौत के ऐसे गहरे काले रास्ते पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें माँ बेटी हैं। बेटी का नाम मधु है, इसकी उम्र 22 साल की है। जो मधु है वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी है। मधु देखने में ठीक ठाक है। मधु एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। मधु की जब शादी होती है ना तो मधु के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि उसको एक अच्छा पति मिले, वो मनचाही चीजें खरीद सके। लेकिन मधु के पति का जो नाम है वो दीपक है। दीपक ना एक कंपनी में चपरासी का काम करता है। वो मधु के बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर पाता है तो मधु क्या करती है, लॉटरी लगाना स्टार्ट कर देती है। मधु का बहुत सारा पैसा जो है ना लॉटरी में चला जाता है। बहुत उसके पैसे डूब जाते हैं, उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। मधु बाबाओं से भी बहुत सारे नंबर्स पूछती है लेकिन कुछ नहीं बचता है। तो मधु फाइनली डिसाइड करती है कि मैं ऐसा करती हूँ, भूत प्रेत का सहारा लेती हूँ, जिन का सहारा लेती हूँ। मैंने सुना है कि ये लोग जो नंबर्स देते हैं ना वो नंबर अगर डाले जाएंगे तो लॉटरी निकलेगी तो मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। वैसे भी लोग जो है ना काला जादू करते हैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। अब उसके पास इतना पैसा तो है नहीं था कि वो बाबाओं के पास जाए और काला जादू करवाए। तो वो क्या करती है, वो ना कुछ किताबें खरीद लेती है। उस किताबों में जो जो लिखा होता है वो सब विधियां वो अपने घर में करती है। वो ना अपने बेटे का भी नहीं ध्यान देती है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 3 साल की है। मधु अपने बेटे को ऐसे पूरा दिन इग्नोर रखती है, भूखा प्यासा रखती है। उसका बेटा रो रो करता है जिसकी वजह से ना दीपक और मधु के बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। वो हमेशा बोलता है तो क्या करती रहती है, फालतू किताबें पढ़ती रहती है, इतनी आस्था अगर भगवान में रखती ना तो तेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता। जो मधु है उसकी बात को सुनती नहीं है, लेट गो करती रहती है। एक बार क्या होता है, रात का वक्त होता है, दीपक की अचानक से आँख खुलती है। वो देखता है कि मधु जो है ना बेड पर नहीं है। तो वो क्या करता है, मधु को ढूंढने के लिए अपना हॉल में जाता है, दूसरे रूम में जाता है। जैसे वो दूसरे रूम में जाता है ना तो देखता है कि जो मधु है ना उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उसके पूरे बाल खुले हैं, एक बहुत बड़ा लाल टीका लगाया हुआ है, उसने कैंडल्स का ना एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया हुआ है और उस सर्कल के अंदर मधु बैठी है और उसकी आंखें बंद हैं और वो ना कुछ श्लोकों का उच्चारण कर रही है। कंटिन्यू श्लोक पढ़ती जा रही है। अब ये सब देखते देखते ना दीपक देखता है कि जमीन के अंदर से ना एक बहुत बड़ा धुआं निकला और वो जो धुआं है ना उसने एक आदमी का रूप ले लिया है और वो जो आदमी है देखने में बहुत ही भयानक है। उसके बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, लाल लाल उसकी आंखें हैं, उसके जो दांत है ना बहुत ही नुकीले बड़े बड़े दांत हैं। वो देखने में इतना खूंखार है ना, ऐसे लगता है कि जैसे कोई राक्षस मधु के सामने आके बैठ गया है। ये देख के ना दीपक इतना ज्यादा डर जाता है, वो फट से मधु को आवाज देता है, मधु। वो डर जाता है, उसको मधु की बहुत चिंता होती है। तो मधु अपनी आंख खोलती है ना, जैसे मधु की आंख खुली ना वो जो राक्षस है उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। मधु दीपक से बहुत झगड़ा करती है। वो बोलती है कि तूने मेरी साधना भंग कर दी, आज मेरी विद्या पूरी हो जाती अगर तू बीच में आवाज नहीं देता। तो दीपक और मधु की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। वो बोलता है कि ये सब मेरे घर पर नहीं चलेगा, मेरा बच्चा भी है, ये सब मेरे को राक्षस घर में नहीं चाहिए है, ये सब आज के बाद तू इसी वक्त बंद कर दे। तो मधु बोलती है आज के बाद इसी वक्त मैं क्या बंद करूंगी, मैं तो तेरा घर छोड़कर जाती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मैं तो तेरे साथ वैसे भी बहुत परेशान हूँ, खुश नहीं हूँ, तू देते ही क्या है मुझे। ऐसा गुस्सा करके ना मधु अपना बेटा उठाती है और सीधा अपने माँ के घर पर पहुँच जाती है। जब उसकी माँ को इनके झगड़े के बारे में पता चलता है ना तो मधु की मम्मी उसको बोलती है कि बेटा ये तू जो कर रही है ना अच्छी बात नहीं है, तू तेरे घर पर जा। लेकिन मधु अपनी मम्मी की बात सुनती नहीं है। मधु ना अपनी मम्मी के घर पर ही रहती है और फिर से वो सारी जादू टूने वाली गतिविधियाँ करती रहती है। उसकी मम्मी भी उसको बहुत बार समझाती है लेकिन उसके कान में तो बात जाती
डालती नहीं है, एक कान में डालती है दूसरे कान से निकाल देती है, कंटिन्यू वो सब ऐसी जादू टोने करती रहती है। अब ना मधु को 3 महीने हो गए अपना घर छोड़े हुए, पति का घर छोड़े हुए। अब मधु एक दिन ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, टेंशन में होती है, रोते रोते अपनी मम्मी के पास आती है। तो उसकी मम्मी पूछती है, क्या हो गया बेटा, तू ऐसा क्यों रो रही है, इतना क्या तेरे को हो गया है? तो मधु बताती है कि मेरे ना शरीर के ऊपर एक जिन का कब्जा है, वो जो जिन है ना मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई पति अपने पत्नी के साथ बिहेव करता है। वो मेरे साथ कई बार तो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है ना, शारीरिक मुझे इतना टॉर्चर करता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। वो जो जिन है दिल्ली मेरे साथ आके रात को ज़बरदस्ती संबंध बनाता है, मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मधु रो रो के अपनी मम्मी के आगे ना सारी बातें बताती है, जो जो जिन उसके साथ डेली हरकतें करता है सारी बातें मधु अपनी मम्मी को बताती है। अब एक बार क्या होता है, दीपक के फ़ोन पर ना उसकी सास का फ़ोन आता है, मतलब मधु की मम्मी का फ़ोन आता है। और मधु की मम्मी बोलती है, बेटा मेरे को ना तेरे से बहुत ज़रूरी काम है, क्या तू आज घर पर आ सकता है? तो दीपक बोलता है ठीक है। अब जैसे दीपक जाता है ना उसके घर पर, तो मधु की मम्मी रो रो के फूट फूट के बोलती है, बेटा मेरी बेटी को बचा ले, बेटा मेरी बेटी को बचा ले, वो जो जिन है ना उसका कब्जा मेरी बेटी के शरीर पर आ गया है, वो डेली उसके साथ फिजिकली होता है, वो रात को जोर जोर से चीखती है चिल्लाती है, लेकिन जो जिन है ना उसको जानवर की तरह बिहेव करता है, डेली उसके साथ बहुत फिजिकली टॉर्चर करता है, प्लीज़ उसकी मदद कर दे। अब कभी कभी जब मधु खाना बनाती है ना, तो वो जिन ऐसा इसको पजेस्ट कर देता है कि ये गरम गरम तेल में अपने हाथ डाल देती है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता, बस बेसुध होके खड़ी रहती है, मैंने इसको बचाया, तुझे तो पता कि मेरे हाथ पैर चलते नहीं है, कल तो इसने हद ही कर दी, सब्जी काटते काटते ना इसने अपनी पूरी उंगली काट दी, इसको पता ही नहीं चला धना धन इसके हाथ से खून बह रहा है, वो तो मैंने फटाफट इसको डॉक्टर के पास भेजा, इसको सुध बुध में लाया, लोगों से मदद ली, तो इसका कल ये इलाज करवाया गया, इसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है, मेरे तो हाथ पैर चलते नहीं है, मैं किसके वो कौन से बाबा के पास इसको लेके जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है, प्लीज़ बेटा मेरी बेटी को बचा ले। तो जब दीपक ना मधु से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है ना, वो मधु को देखकर एकदम चौंक जाता है। मधु जो 22 साल की है ना, वो ऐसा दिख रही है जैसे वो 50 साल की हो गई है, उसकी पूरी स्किन जो है ना अजीब सी काली सी हो गई है, एकदम वो हड्डियों का ढांचा हो गई है, उसके बहुत सारे जो बाल हैं वो झड़ गए हैं। अब दीपक क्या करता है, बहुत जगह ना उसको बहुत सारे तांत्रिक के पास लेके गया, बाबाओं के पास लेके गया, मौलवी के पास लेकर गया, लेकिन जो जिन है ना वो डे बाय डे मधु को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो उसके अंदर आ जाता है। मधु क्या करती है, जैसे जिन उसके अंदर आता है ना, अपना दीवार पर सर जोर जोर से पटकती है, लहू लहान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपना सर पटकती रहती है। दीपक बहुत सारे लोगों की मदद लेता है मधु को बचाने के लिए, उसको कई बार तो इन लोगों ने कुर्सी पर बांधा, उसको पकड़ा, और कई बार क्या करती है, रात को उठती है अपने मुंह पर ना धना धन मुक्के मारती रहती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। दीपक जो है ना डे नाइट मधु का ध्यान देता है कि अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। एक रात को क्या होता है, दीपक की ना आँख लग गई थी, आँख लगने के बाद ना उसने बहुत सारे लोगों की चिल्लम चिल्ली की आवाज़ सुनी, और जब बाहर जाके देखा ना, तो वो पाता है कि मधु ने ना सामने उसके घर के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मधु हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी, वो जिन हमेशा के लिए मधु को अपने साथ ले गया था। अब पीछे बची उसकी मम्मी और उसका बेटा। तो दीपक क्या करता है, दीपक मधु की मम्मी को अपने घर पर लेकर जाता है और अपनी मम्मी की तरह प्यार करता है और उनकी देखभाल करता है, वो अपने बेटे का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि बुरे काम का नतीजा आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा, क्योंकि एक गलत कदम ने ना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, इससे बचना नामुमकिन है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ, तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।